सो टुडेज रेसिपी इज होममेड रसगुल्ला, जिसके लिए हम पहले 1 लीटर दूध लेंगे, जिसको मीडियम फ्लेम में एक उबलाने तक गर्म करेंगे और एक आधा कटोरी पानी लेंगे, जिसमें 2 चम्मच विनेगर डालकर मिक्स कर देंगे। फिर वो विनेगर वाले पानी को चमचा मतलब बड़े चम्मच में लेके 5 से 6 बार करके डालना है, और उसको जब तक डालना है तब तक वो फट ना जाए। फिर जब दूध फट जाए तो उसको एक छन्नी लेना है, छन्नी में हमें फटे हुए दूध को डालना है और उसको अच्छे से ठंडे पानी में धोना है, ताकि उसकी और पहले से जो पानी जिसमें हम उबाले थे वो निकल जाए। फिर एक अलग से बर्तन लेना है, जिसको मीडियम फ्लेम में रखना है, और 4 कप वाटर और 1 कप शुगर शक्कर उसको मिक्स करना है। ये हम शुगर सिरप बनाएंगे। फिर छेना को लेके अच्छे से तोड़ना है फिंगर्स के हेल्प से, और हथेली से अच्छे से मसलना है। मेरे से नहीं हो पा रहा था तो फिर मेरी मम्मी की थी ये चीज। मसलने के बाद फिर हमें उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, और फिर से हमें उसको अच्छे से मसलना है। फिर उसको डो लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, डो बनाना है। फिर उससे हमें बॉल बनाना है, और आप अपने हिसाब से बॉल बना सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा। अच्छे से बनाना है मसल के, उसमें क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगा शुगर सिरप में जाने के बाद। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली डालना है उसको शुगर सिरप में खोलते हुए। फिर उसको 10 मिनट खुला पकाना है और 5 मिनट बंद करके, और आप देख भी सकते हैं आपका रसगुल्ला जस्ट डबल साइज हो जाएगा। फिर एक ठंडे पानी का बर्तन लेना है, और बॉल्स को हमें वो ठंडे पानी में डालना है डायरेक्ट। फिर वो ठंडे पानी के बर्तन को हमें फ्रिज में डालना है 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए। और फिर उसको हमें डायरेक्ट निकालना है फ्रिज से, और फिर शुगर सिरप में डालना ओनली बॉल्स को, और हमारा रसगुल्ला रेडी। सर्व करो, गेस्ट को सर्व करो, फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें बनाओ, एंजॉय करो। और यस, इसी रेसिपी से सेम थोड़ी सी चेंज रहती है, रस मलाई भी बनती है। सो आई विल पोस्ट इट टुमारो, एंड तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो। थैंक यू।